Hello, welcome back, resin artist lovers. तो टाइटल से आप जान ही गए होंगे कि आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो है बहुत ही ज्यादा बिगनर ट्यूटोरियल, जिसमें हम बनाएंगे कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया से रेजिन के इयररिंग्स। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ एंड प्रोडक्ट्स, फिर हम आगे बात करते हैं। तब तक आप एंड प्रोडक्ट्स को एंजॉय। ये इयररिंग्स हैं जो आज हम इस ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं, ओके? तो ये बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स के लिए हैं। इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्निक्स, ऐसा बड़ा टेक्निक यूज़ नहीं किया है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स के थ्रू हम इन इयररिंग्स को बनाएंगे। और जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं ये रेजिन के साथ जो हम यूज़ करते हैं, जो कि है माइका पाउडर, एल्कोहल इंक, ग्लिटर्स, बस इन्हीं को हम यूज करेंगे। हम ये नहीं कि फ्लावर्स ड्राई करने हैं, फिर हमें रेजिन में पोर करना है, लेयरिंग करनी है, कुछ नहीं। और ये जो रेजिन का बिगनर ट्यूटोरियल है, ये शायद सीरीज का थर्ड या सेकंड वीडियो होने वाला है। तो आपने अगर रेजिन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स बाकी वीडियो नहीं देखे, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, शायद यहाँ आपको कहीं लिंक मिल जाएगा इनका, ओके? तो मैं आपको कुछ फाइनल रिजल्ट ट्राई करके भी दिखाती हूँ, जो कि मोस्ट फेवरेट हो गए हैं मेरे। इनमें सबसे पहले इयररिंग्स हैं वो ये। इसमें मैंने दो कलर यूज किया है, ये भी अल्कोहल इंक यूज किया है। आई थिंक तो ये पेस्टल, सॉरी ये पिगमेंट है, व्हाइट और ब्लू कलर का पिगमेंट है। मैं एक इसमें ट्राई करने वाली हूँ। एक ये है, सेकेंड है ये ग्लिटर इफेक्ट्स, पूरे फ्लेक्स यूज किए मैंने इसमें, आपको नजदीक से दिखी है। और ये जो मोल्ड्स हैं, इनका जो मोल्ड है मैंने अमेज़न से परचेस किया था इनका मोल्ड। आपको मैं इनका लिंक दे दूंगी, आप वहां से इन्हें परचेस कर सकते हैं अगर आपको चाहे तो। और ये है अलेक्सा ही नॉन ग्लिटर इयररिंग्स। काफी ज्यादा मैंने नॉर्मल कलर्स यूज किए, कुछ मैं नियॉन कलर कर नियॉन यूज करके भी बिगनर्स के लिए बनाते हैं ट्यूटोरियल। तो ये अल्कोहल इंक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी नियॉन की भी, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज्यादा कलर्स आने लगे। क्योंकि अब तो है ऑनलाइन, आप चेक करोगे ना बहुत सारे कलर्स आ गए हैं अल्कोहल इंक में सीरीज के। आई थिंक सो पहले तो 5 to 6 ही कलर्स मिलते थे। कुछ इयररिंग्स थी जो मैंने आपको ट्राई करके दिखा दी, बाकी तो हम जब एंड रिजल्ट बनेगा उसके बाद हम ट्राई करेंगे, ओके? तो बात करते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल्स की जो हमें जरूरत होने वाले हैं अपने आज के ट्यूटोरियल में। सबसे पहला तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेजिन, 2:1, 1:1, 3:1, जो भी रेशियो आपका मन हो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एज अ बिगनर मैं प्रीफर करना चाहूंगी तो मैं आपको
कि आप 1:1 या 2:1 का रेशियो ही यूज कीजिए, वो थोड़ा इजी होता है कैलकुलेट करने में. 3:1 को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आई थिंक सो आप 1:1 या 2:1 रेजिन के साथ जाइए. सेकंड हो गया आपका अल्कोहल इंक. अल्कोहल इंक आपको जो कलर आपके पास हो, जो भी कलर आप यूज कर सकते हो. और यहाँ मैंने जो यूज किया है वो है मेलाचाइट ग्रीन. इन ईयरिंग्स के लिए मेलाचाइट ग्रीन यूज किया है मैंने, और ये है नॉर्मल ग्रीन. इसमें है सैफायर ब्लू एंड बर्गंडी कलर. ये तो माइका पाउडर यूज है. इसमें न्यून आई थिंक सो न्यून कह सकते हो या फिर गोल्डन येलो कह सकते हो, इसमें मैंने यूज किया है. और नेक्स्ट है पिगमेंट. पिगमेंट में मैंने यूज किया है ये वाइट पिगमेंट, जिसके साथ है ये ब्लू, ओशियन ब्लू पिगमेंट. इसमें यूज किया है मैंने पिंक पिगमेंट, और ये है ग्लिटर विद माइका पाउडर. आई थिंक अल्कोहल इंक, टैंगरिन अल्कोहल इंक. ओके, ये है पर्पल, पर्पल अल्कोहल इंक. इसमें भी मैंने यूज की है पर्पल अल्कोहल इंक. ओके, यहाँ ट्रांसपेरेंट प्लस माइका, ट्रांसपेरेंट प्लस ये है पिगमेंट. ये कम्प्लीटली वाइट अल्कोहल इंक के साथ ग्लिटर फ्लेक्स है. ओके, तो ये सारी लिस्ट ऑफ मटेरियल्स है, और बाकी जो नॉर्मल से सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो तो आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना है. मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, मैं हर वीडियो में बताती हूँ सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रेजिन का काम कर रहे हो. तो सबसे पहला सेफ्टी इक्विपमेंट हो गया आपका सिलिकॉन मैट, ताकि आपका सरफेस सेफ रहे. दूसरा सेफ्टी ग्लव्स, क्योंकि बिगनर आपको, आप हमेशा रेजिन से अपने हाथ धोते करोगे या सरफेस गंदा करोगे, तो बेटर होता है कि आप अपने हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स यूज करो. थर्ड, मास्क. बिना मास्क के आप वेंटिलेटेड एरिया में अगर काम नहीं कर रहे हो तो मास्क प्रॉपरली यूज कीजिएगा. सीरियसली कहूँगी थोड़ा इन्वेस्टमेंट मास्क और हैंड ग्लव्स सेफ्टी मेजर्स पे जरूर कीजिए अगर आप रेजिन में काम कर रहे हो तो. सीरियसली बहुत जरूरी है, आपकी हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. फिर उसके बाद होगी आपका मेजरिंग कप्स, मिक्सिंग स्पून या फिर टीस्पून हो गया. उसके बाद वेट मशीन, ये तो बाकी ये चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए रेजिन के एज अ रेजिन आर्टिस्ट. तो मैं हर वीडियो में बता ही देती हूँ इन लिस्टों को, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ. बाकी तो हो गया इम्पोर्टेंट जो था मैंने बता दिया, ये अल्कोहल मेकअप पाउडर पिगमेंट अल्कोहल. अगर आपके पास पिगमेंट नहीं है ना तो नो प्रॉब्लम, आप मेकअप पाउडर या फिर अल्कोहल से भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ये जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है वही कलर आप यूज करें, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. मेरे ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ यही है कि आपको बस बताना है एज अ रेजिन आर्ट, एज अ बिगनर आप रेजिन की ईयरिंग कैसे बना सकते हैं. ओके, तो हो गया ये सर, और अब हम शुरू करते हैं. Thank you.
Thank you.
Thank you.
you.